अपनी बकाई मजदूरी के भुगतान की मांग को लेकर फफौत एवं खोदावंतपुर पंचायत के कई पंप संचालकों ने शुक्रवार से अपने अपने वार्डों में पेयजल पूर्ति का कार्य ठप कर दिया है। फफौत पंचायत के वार्ड 1, 5, 6, 7, 8 एवं खोदावंतपुर पंचायत के वार्ड 6, 7, 8 एवं 9 के पंप संचालकों ने बताया कि वे लोग पिछले 2 वर्षों से पेयजल आपूर्ति का कार्य मात्र 3,000 रुपए मासिक मानदेय पर कर रहे हैं, परंतु पीएचडी विभाग से जुड़े ठेकेदार मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिससे उनके परिजनों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब तक मात्र 12 से 13 महीने के पारिश्रमिक राशि का ही भुगतान किया गया है। विभाग के अधिकारियों को बकाई राशि के भुगतान के लिए लिखा गया था, परंतु इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया। पंप संचालक पप्पू कुमार, रवि कुमार, रणधीर कुमार, कैलाश कुमार, संजय कुमार, अनु कुमारी, अंजू कुमारी, बिंदु देवी सहित अन्य संचालकों ने बताया कि विवश होकर वे लोग पंप संचालक का कार्य ठप कर दिए हैं। बकाई राशि का भुगतान होने तक वे लोग अपने कार्य का बहिष्कार कर दिए हैं। बेगूसराय के खोदावंतपुर से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। खोदावंतपुर प्रखंड अंतर्गत फफौत और खोदावंतपुर में बकाया राशि भुगतान को लेकर जलन कार्य ठप किए हुए हैं आप लोग, इस विषय में आप कुछ जानकारी दीजिए। इसका पेमेंट नहीं देता है, ये सब ठेकेदार के अंदर में है, ठेकेदार ठकते रहता है, कभी 5,000 कभी ऐसे करके अभी तक 35,000 रुपया दिया, उसके बाद कहता है जा देते हैं ब्या देते हैं, देवे न करते हैं। ठीक है, कौन बोलते हैं? संजय कुमार फफौत, 9 नंबर वार्ड। ये ठेकेदार हुए? नहीं, संचालक हुए। अच्छा, आप लोगों का बकाया कितने दिन का है? साल भर का है। एक साल का? दो साल का है। तो आप ही का बकाया है या आपके पंचायत में और भी सभी का? और है, 7, 8, 9, 4 गो इधर है और 4 गो खोदावंतपुर है इस ठेकेदार के अंदर में, इसलिए हम लोग आपस में नहीं पेमेंट मिलने के कारण हम लोग आपस में पानी बंद किए हुए हैं। आवेदन भी दे दिए हैं आगे 2-3 जगह और इसको बंद रखे हुए। इसके संदर्भ में जेई का क्या कहना है? जेई साहब बातें नहीं करते हैं किसी से, इस संदर्भ में जेई साहब बात नहीं करते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार, 9 नंबर वार्ड, संचालक हैं हम। घर कहाँ हुआ? फफौत।